खास करके नाइट सूट की तैयारी इसीलिए हुई है ताकि सुबह उठ के डांस करूं मैं और वो नाइट सूट में मैं अच्छी लगूं। मत जा, मैं कैसे रहूंगा, मैं अभी खतरों करके आया हूँ, 2 महीने हम अलग थे और अब तू वापस जा रही है वहां पे। आई रियली लव गौहर खान एज अ विनर, आई लव सिद्धार्थ शुक्ला एज अ विनर एंड रुबीना। इस बार मैं बिग बॉस जा रही हूँ और मैं अगर शो जीत जाती हूँ तो एक नहीं 5 पर्सनालिटीज जीतेंगी, दैट्स गोना बी दिव्या अग्रवाल। तुम मुझे पसंद करो या ना पसंद करो, मैं हूँ ऐसी, अब मैं तुम्हारे लिए बदल तो नहीं सकती अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में। इस वक्त हमारे साथ है ब्यूटीफुल गॉर्जियस दिव्या अग्रवाल, जो कि जाने वाली है बिग बॉस के घर के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या। मुझे बहुत हंसी आ रही है राहुल तुमसे बिग बॉस के बारे में बात करते हुए, बिकॉज मुझे याद है हमारी कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और अब मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि अब मैं फुल्ली पावर पैक प्रिपेयर हूँ ब्रो, मतलब एवरीथिंग इज एट प्लेस, मजा आने वाला है। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भी जानते ही होंगे कि दिव्या और मेरी लास्ट टाइम जब इनका बहुत बेहतरीन सॉन्ग आया था तब उन्होंने बोला था कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन दिव्या, मुझे जानना है कि अब क्यों, दिव्या के माइंड में ऐसा आखिरकार क्या आया और ऐसी क्या चीजें हुई कि दिव्या ने कह दिया कि यस आई एम नाउ रेडी। यार राहुल, लाइफ हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोविड हुआ, आई लॉस्ट माई फादर एंड थिंग्स लाइक, मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये चीज़ इतने ब्यूटिफुली कोप अप कर सकती हूँ और सारी चीज़ें संभाल सकती हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे जेन्युइनली संभाला है, तो आई थिंक आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। करंटली राहुल, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर वही था, अपने पेरेंट्स को खोने का, और वो डर मेरे दिल से निकल गया है एंड आई एम नाउ कम्प्लीटली फियरलेस, आई एम कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड। तो इस बार तो शो में बहुत मजा आने वाला है। And it's going to be Bigg Boss over the top. And Divya, yes, over the top. So, Divya, हमें पता है कि वैसे तो आपने खैर ऑडियंस का दिल ऑलरेडी जीता हुआ है, लेकिन कुछ खास तैयारी जो आप करके जा रही हैं, अगर बात करें ड्रेसिंग वेसिंग का, कितने कपड़े लेके जा रही हूँ वो सब हमें जरूर बताएं, और नाइट सूट्स कितने लेके जा रही हैं? भाई मैं तो कपड़े, मैंने स्टाइलिस्ट रखे हुए, ठीक है, विक्टर और सुहेल है मेरे स्टाइलिस्ट, बड़े प्यारे लड़के हैं, उन लोगों ने मतलब सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं। मैंने मतलब बस वाला वेट लॉस किया है ताकि मैं एकदम ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूं और मैं फ्लॉन्ट कर सकूं, एंड आई ऑलवेज वांटेड दिस बॉडी एंड आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड स्टाइलिंग में मुझे इतनी स्टाइलिंग की इतनी अक्ल नहीं है, सो इस बार मैंने सोचा कि मैं क्यों ना किसी की हेल्प ले लूं। तो मैं बहुत सारे कपड़े लेकर जा रही हूँ, इतने सारे कपड़े लेकर जा रही हूँ कि शायद मैं वहां पे बांट भी सकूंगी कि लो भाई तुम लोग भी पहन लो, तुम लोग भी पहन लो। और मेरा खुद का लेबल है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेबल का नाम है बोहो रानी, बोहो रानी के काफी कपड़े देखने मिलेंगे, जो मेरा खुद का लेबल है, तो इट्स गोना बी नाइस। एंड नाइट सूट्स के लिए हिना खान ने एक मार्क सेट किया था अपने नाइट सूट्स को लेकर, कॉलर वाले नाइट सूट्स, काफी फंकी नाइट सूट्स पहने थे मैडम ने, तो मेरा इस बार का प्लान है कि मैं काफ्तान्स पहनूंगी एंड इट्स गोना बी वेरी स्टाइलिश एंड यू नो शीक। और खास करके नाइट सूट की तैयारी इसीलिए हुई है ताकि सुबह उठ के डांस करूं मैं और वो नाइट सूट में मैं अच्छी लगूं। ओके। अच्छा दिव्या, जब वरुण भाई से जब इस बारे में बातचीत हुई एंड यू हैव डिसाइडेड कि मैं जाना चाहती हूँ, उनका क्या रिएक्शन था, हम वो भी जानना चाहते हैं। मत जा, मैं कैसे रहूंगा, मैं अभी खतरों करके आया हूँ, 2 महीने हम अलग थे और अब तू वापस जा रही है वहां पे, तो मैंने तो मतलब पहले ही बोल दिया मैं अगले साल मिलूंगी भाई, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सबको बोल दिया मैं अगले साल मिलूंगी। सो आई थिंक यू आर साउंडिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट बाय द वे। I swear Rahul, I'm telling you, I was waiting for something like this in my life and confident इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा खुद का लेबल है, मैं as a producer भी हूँ, आज I have produced a short film, I have produced my own YouTube channel और पीछे से वो content निकलने वाला है और काफी comedy sketches होने वाले हैं Bigg Boss से related, तो काफी मजा आने वाला है वो सब देखने में। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, मेरे एक्टिंग करियर में मेरा सबसे बड़ा ब्रेक आने वाला है 20 अगस्त को, जहाँ पे रिलीज होने वाला है कार्टेल। कार्टेल में मेरे 6 कैरेक्टर्स हैं, एकता कपूर ने मुझ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके मुझ पे ये रोल मुझे दिया है मेरे बर्थडे के दिन 2 साल पहले, एंड दिस थिंग इज गोना कम आउट। अभी मेरा एक गाना रिलीज हुआ है, तो एवरीथिंग इज सब सॉर्टेड ब्रो, एवरीथिंग इज ऑल नाइस। तो ये बिग बॉस मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हर कोई बिग बॉस जाता है एक बैकअप प्लान के लिए या अपने करियर को एक और किक स्टार्ट देने के लिए। आई वांट टू चेंज दैट कॉन्सेप्ट, आई वांट टू बी लाइक कि मैं बाहर भी किल कर रही हूँ, मैं अंदर भी किल कर रही हूँ, सो दैट्स गोना बी माय थिंग।
वाओ वाओ दिव्या, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, एंड हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे ही किल करते रहिए. दिव्या, इतने सारे कंटेस्टेंट्स हुए हैं, इतने सारे विनर्स आए हैं, 14 विनर्स आए हैं, आपकी अगर पर्सनल चॉइस में पूछूं तो आपको किसकी जर्नी या फिर किससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और समथिंग लाइक दैट कि आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी भी वैसी ही याद की जाए? यही तो प्रॉब्लम है राहुल. जब मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, तुम यही कहोगे कि किसी के बाल पसंद है, किसी की आंखें पसंद है, किसी के बाल पसंद है, किसी की बातें पसंद है. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन फॉर मी. मुझे हर विनर में कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होती है जिससे मैं रिलेट करती हूँ, या कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी सीखूँ वो चीज. तो आई गेस देर आर मेनी सच पर्सनैलिटीज. आई रियली लव्ड श्वेता तिवारी एज अ विनर. I really love Gohar Khan as a winner. I love Siddharth Shukla as a winner and Rubina as a winner. तो मतलब ये सारी personalities में कुछ ना कुछ मैं अपने आप को जरूर relate कर पाती हूँ, and that is it. And अगर इस बार मैं Big Boss जा रही हूँ और मैं अगर show जीत जाती हूँ तो एक नहीं पांच personalities जीतेंगी. That's gonna be Divya Agarwal. Wow. Wow, दिव्या. दिव्या, अगर बात की जाए आप कितने ज्यादा हॉट हेडेड हैं, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं पता, हमें आपका वो कूल बबली इमेज ही पता है, और बिग बॉस का घर आपके पेशेंस को मतलब ऐसे खींच के निकाल देता है. सो आई रियली वांटेड टू नो हाउ यू गोना कोप अप विद ऑल दिस थिंग्स. एंड खाना नहीं मिलता है उसके कारण झगड़े हो जाते हैं, 2 अंडे 3 अंडे, तूने मेरा अंडा खा लिया, तूने मेरा केक खा लिया. सो हाउ यू गोना डू इट? यार ये तो मतलब गृहस्थी वाली बातें हैं. मैं दो दो घर संभाल रही हूँ, मेरे लिए घर की ये सारी प्रॉब्लम्स कोई टेंशन वाली बात नहीं है. एंड जहाँ तक खाने की बात आती है तो राहुल आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ. एंड आई हैव वन अ लॉट ऑफ कुकिंग कॉम्पिटिशन एज वेल इन माई लाइफ. मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, पंजाबन हूँ, खाना बना के खिलाना भी उतना ही पसंद है. हमारे घर में तो यही चलता था भाई, मम्मी पापा ने बोला हुआ है कि भाई कोई भी घर पे आएगा वो भूखे पेट नहीं जाना चाहिए. तो ये हमारे खून में है भाई पंजाबियों के. And that is going to reflect for sure. And बाकी तो यार झगड़े वगड़े टेम्पर वगैरह तुमने मेरे पुराने रियलिटी शोज नहीं देखे हैं शायद, मेरा टेम्पर भी उतना ही है. I am a very extreme person. If I'm good, I'm very good. But if I'm bad, I'm very bad. And I'm bad for the correct reasons, I feel. At times I become bossy. I know that about myself. But I don't want to change that because I've seen a lot in life. Okay. देवे, आपने एक बात बोली थी इंटरव्यू के शुरुआत में कि अभी आप अपने सारे फियर्स सारी एग्नी से बाहर आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं यू आर बिंदास एंड मस्त मौला, लाइक डेविल मे केयर एटीट्यूड काइंड ऑफ थिंग. बट बिग बॉस कभी कभार ऐसा होता है ना कि रिवर्स इफेक्ट भी देता है. मतलब आपके अगर जहाँ पे शोहरत नाम सब कुछ आता है लेकिन साइड बाय साइड कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेज भी आ जाती है. सो आई रियली वॉन्टेड टू नो कि वो कैसे आप हैंडल करेंगे और उस चीज के लिए कुछ ऐसा है दिमाग में सोच के? यार राहुल वेरी ऑनेस्टली लोग जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो मुझे काफ़ी ऐसे सीख सिखाई जा रही थी कि ये चीज़ पे ऐसे रिएक्ट मत करना जैसे तू रियल लाइफ में करती है. ठीक है, चाय अगर नहीं मिलेगी तो गुस्सा मत होना. ठीक है, मुझे सुबह की चाय चाहिए और वो भी परफेक्ट चाहिए, एकदम परफेक्ट चाहिए. तुम मत बनाओ कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगी, मैं सबके लिए बनाऊंगी, पर मुझे मेरी चाय परफेक्ट चाहिए. तो ऐसी कोई छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे लोगों ने मुझे कहा है कि हो सकता है तुम ऐसे स्टूपिड दिखो या गलत दिखो. पर राहुल मेरा एक ही कहना है यार कि अगर मैं आई बी माई सेल्फ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा. तुम मुझे पसंद करो या ना पसंद करो, मैं हूं ऐसी. अब मैं तुम्हारे लिए बदल तो नहीं सकती अपने आप को. हाँ, अगर मैं कहीं प्रिटेंड करूंगी या अगर मेरी जर्नी कहीं पे भी फेंक जाएगी और अगर उस वजह से मैं जर्नी से बाहर हो जाती हूँ या उस वजह से मुझे हेट मिलता है तो ये मेरे अंदर रिग्रेट रहेगा कि यार अगर शायद मैं यू नो इफ आई वुड हैव बीन माई सेल्फ तो ये नहीं होता. तो अगर मेरे इस एटीट्यूड की वजह से मैं बाहर भी चली गई या अगर मैं जर्नी खत्म भी नहीं कर पाई कोई गम नहीं है यार. इट वाज आई एम डूइंग दिस शो फॉर फन. ट्रू ट्रू. लास्ट क्वेश्चन दिव्या, वरुण भाई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज डूइंग सो वेल और सारी लड़कियां उन्हें आउट ऑफ वो 10 आउट ऑफ यू नो हमेशा ज्यादा ही मार्क्स दे रही हैं. सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट हिज जर्नी एंड प्लस उनका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या उन्होंने बताया आपको कुछ शेयर वेयर चीजें? हां, पूरा दिन जब वो वहां थे तब भी फोन पे पूरा दिन विशाल श्वेता दी दिव्यांका दी विशाल श्वेता दी दिव्यांका दी अनुष्का ये वो सबके नाम सबसे मिल चुकी हूँ, सबसे बात कर चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उसकी जर्नी के लिए. मैं देख नहीं पाती उसके एपिसोड्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हाय यार वो क्या कीड़ों के बीच में पड़ा हुआ है या कहाँ वो कूद रहा है इतनी हाइट से, कहाँ चॉपर से कूद रहा है इतनी मुश्किल. तो उसने अपने हिस्से की मेहनत कर ली है यार. हाँ भाई, हम दोनों एक टीम प्लेयर है, उसकी उसने कर लिया उसको जो करना था, अब मेरी बारी है तो अब मैं जाऊंगी.
वाह, ऑल द वेरी बेस्ट दिव्या। हम चाहते हैं कि आप जब भी बाहर जीत कर आए तो हम आपके सामने जरूर हों और आपका इंटरव्यू इसी तरीके से लें। एंड दर्शकों को क्या कहना चाहती है मैसेज लास्ट? मैसेज यही रहेगा कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, इट्स अ शो, इट्स फॉर योर एंटरटेनमेंट। एंड अक्सर मैंने इंडिया में ये महसूस किया है कि इंडिया में ट्रोलिंग सीन बहुत ज्यादा बदतर है, मतलब बहुत ज्यादा घिनौना है। एंड आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू स्टूप डाउन। भले मेरा कोई अंदर एनिमी जरूर क्यों ना हो, मैं नहीं चाहूंगी, मैं भले कितना भी बुरा बोला बोलूं, क्योंकि मैं उसके सामने उसके मुंह पे बोल रही हूँ, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस। आई डोंट वॉन्ट माई फैंस और माई सपोर्टर्स टू डिमीन एनीबडी आउटसाइड ऑन सोशल मीडिया। एंड यही ब्रीफ मैं अपनी पूरी टीम को लेकर जा रही हूँ कि मेरे वजह से कोई डिफेम नहीं होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट जेपरडाइज एनीबडीज करियर, ठीक है? आई विल नेवर गो बिलो द बेल्ट एंड आई विल स्पीक द ट्रूथ, इट विल बी ऑल रियल। सो फैंस, यू गाइज वॉन्टेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड आई एम कमिंग एंड आई होप यू गाइज एंजॉय इट। देर बी अ लॉट ऑफ डांसिंग, लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स मोर देन योर वोट्स। Thank you so much, Divya, and all the very best. थैंक यू राहुल।